हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 24 जून 2019 है और जो शेयर लेके आया था वो है NMDC लिमिटेड, जो 8th लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। प्रोड्यूसर आयरन ओर फ्रॉम द हाईएस्ट मैगनीज माइन से है। इंडिया की पहली अच्छी कंपनी है। 1958 में एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुल्ली ओन पब्लिक इंटरप्राइज के रूप में स्टेब्लिश हुई है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। तो देखेंगे यहाँ पे ये एक अच्छी प्राइस पे, मतलब डिविडेंड भी पेइंग कंपनी है, फाइनेंशियल अच्छा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ में बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करती है और जिस तरह से स्कोप है इंफ्रा और स्टील सेक्टर का, तो वहाँ पे ये सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको दिखेगी। ऑलरेडी ये बहुत चल चुकी है और हो सकता है कि अभी ये और चलना इसको बाकी है। तो आज के डेट में अगर देखें NMDC, तो इसका 111.35 रुपये पे है। यहाँ 11.15 रुपये आपको निगेटिव पे दिख रहा है BSE पे, कल के प्राइस है, और यहाँ 111.35 रुपये दिख रहा है। आज का जो है 111.80 है। अभी मार्केट ओपन है, लाइव मार्केट है, ये 24 जून है, 12:01 हुआ है। लाइव मार्केट पे आप देख रहे हैं इसको, और 55-45% का रिकमेंडेशन भी बाइंग और सेलिंग के लिए है। डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 43, 38, 34 है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इसको कहीं ना कहीं बाइंग एक्विजिशन हो रही है। ये प्राइस टू बुक वैल्यू जो है सिर्फ 1.17 का मिल रहा है। डिविडेंड इसका 5% का, 4.98% का है। इंडस्ट्री पी 12.79 की है। और सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को आपको मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि अगर हमें अंडरलाइन स्टॉक में जाऊँ तो यहाँ पर आपको जो सेक्टरल पी है 10.3, इसका जो है प्राइस अर्निंग 7.34 है, जबकि सेक्टरल जो पी है वो 10.30 है। तो इसके अगर मैं अंडरलाइन डेरिवेटिव्स को जाकर के देखूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 11% से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। प्राइस अप साइड हो रही है, प्राइस अप है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अप है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्विजिशन हो रही है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। चार्ट पे भी देखें, शॉर्ट टर्म नहीं आप देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। हो सकता है कि यहाँ पे आकर के वापस इसको 114 के आसपास आके इसको प्रेशर मिले और वो आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिखे, लेकिन 90 पे एक अच्छा सपोर्ट है इसको 90 के आसपास। यहाँ पे आपको एक यहाँ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ 90 के आसपास इसको एक सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है इसको। और ये यहाँ पे हो सकता है पहला रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे देखने को आपको मिले, इस लेवल के आसपास 114-115 के आसपास आपको रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिले। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए, रेसिस्टेंस लेवल आएगा और जाएगा, लेकिन अगर ये आपको 90 के आसपास मिलता है तो इस रेंज में वापस ये नीचे की ओर फॉल करता है, तो ये आपको वापस अच्छा खासा व्यू दिखाते हुए। और अगर मैं मंथली बेसिस पे भी देखूँ तो 120 के आसपास यहाँ पे अभी हो सकता है कि आपको जाता हुआ 15% है वहाँ पे, तो 120 तक, और दूसरा टारगेट है 158 तक। तो मुझे इसमें 158 का टारगेट दिखता है। और आप मंथली बेसिस पे देखिए तो ये फॉल के बाद यहाँ पे इंडिसेसिव कैंडल बना है और यह वॉल्यूम के साथ इसमें एक्शन हो रहा है। और मंथली बेसिस पे इसने 9 और 21 दिन का डेमा पार करके 50 दिन के डेमा को 120 के टारगेट के लिए वॉच लिस्ट में है। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी 158 की ओर जाता हुआ इसमें दिखता है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 4% से आपको डिविडेंड दे रही है, 4.98%, तो डिविडेंड खराब नहीं है। तो चाहे अगर इसको, तो आपको भी मार्केट लॉट इसका 6000 का होता है। ऑप्शन चेन को जाकर के अगर इसको एक बार देख लें, ऑप्शन चेन में भी देखें अगर इसको 111 पे है, और अगर एट द मनी देखो इस पर 110 के एट द मनी पे देखो, तो कहीं ना कहीं कॉल साइड में 17,88,000 से 110 पे और 115 पे, ये दोनों पे थोड़ा पोजीशन टफ है। और ये दोनों को पोजीशन क्रॉस करते ही ये ऊपर फ्री है जाने को। पुट में देखेंगे यहाँ पे अनवाइंडिंग पोजीशन बन रही है अब इस महीने में। अब ये महीने बचा नहीं है तो इसको अगस्त, जुलाई के महीने को देखते हैं। तो जुलाई के महीने में भी कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन कॉल की ओर जा रही है 120 तक। तो अभी लास्ट एक दो महीने पोजीशन पॉइंट से भी 120 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है यहाँ पे प्राइस एक्शन है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका 1.20 रुपये, 6000 का लॉट साइज होता है इसका, जो लॉट साइज है वो 6000 का है।
तो इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन के थ्रू इसमें नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ये कंसर्न है। लेकिन इसको आपको लगता है तो आप इसको डेरिवेटिव लॉन्ग टर्म से डिलीवरी में लेके जाइए, और उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके वॉच करके इसको देखिए। और अगर ये नीचे मिलता है आपको वीकली बेसिस पर, अगर ये नीचे की ओर मिलता है 90 के आसपास, यहाँ से ये देख रहे हैं बार बार यहाँ से कर रहे हैं, जिस समय इसको क्रॉस कर देगा 150-120 को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिल सकता है। एनएमडीसी एक अच्छा रिकमेंडेशन है टारगेट 158 के लिए, आप चाहें तो इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट देखेंगे 72% ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होल्डिंग है और FII ने इसमें पोजिशन बढ़ाया है। अगर रिकमेंडेशन की भी बात कर लें तो पहला टारगेट दिया 115 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे भी देखेंगे 95 में बाई 151 का अमित एडलिश ने दिया हुआ है, और ये 30 मई को दिया हुआ था 115 का टारगेट जो अब अचीव होने वाला है ICICIdirect.com का। तो हो सकता है इसलिए बताएं कि उस लेवल से एक बार आपको वहाँ पे, यहाँ से जो हर बार ये वीकनेस लेता है 115 का लेवल, यहाँ से आपको हो सकता है कि यहाँ से वीकनेस लेके फॉल ले, लेकिन नीचे की ओर जब आपको ये 90 के आसपास मिले तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और यहाँ से आप एक रेंज में 90-120 पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको साल भर के रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये आपको आराम से 150-160 इस लेवल पे आकर के आपको दिखाएगा, आराम से यहाँ पे 160 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म से 159 के टारगेट के लिए आप चाहें तो NMDC को अपने पोजिशन में लॉन्ग कर सकते हैं। फिर भी मेरे कहने से और किसी आप नहीं बाय कीजिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा मार्केट में कोई पोजीशन बनाने के पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।